ये कितने टाइम पहले ये हालात आए इनके ऊपर? डेढ़ महीना पहले। डेढ़ महीने पहले, तो क्या हो गया था? पेट में इंफेक्शन की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, पेट में दर्द रहती थी। पेट में दर्द रहती थी। अपने मन को फिराओ, परमेश्वर मुझे माफ कर जो गलती मैंने की है। मुझसे बोलो, परमेश्वर मुझे माफ कर, माफ कर परमेश्वर के तेरे दास के प्रति, इस चर्च के प्रति, मेरे जीवन में से कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ कर। पर धन्यवाद है उस परमेश्वर ने जिसने अपने अनुग्रह से इन्हें बचा लिया और इस हालात से फिर से निकाल लिया। हालेलुया। तो इस बहन का नाम कुलदीप कौर है और ये मक्खन मिंडी के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही ये है, ये बता रहे कि ये इस मिनिस्ट्री के साथ काफी समय से जुड़े और ये बताते कि इन पर एक हालात आया और ये बताते कि डेढ़ महीने पहले इनके पेट में दर्द होनी स्टार्ट हो गई और वो दर्द इतनी ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी ये उस दर्द के लिए लगातार मेडिसिन खा रहे थे। तो ये बताते कि इन्होंने दो डॉक्टरों से मेडिसिन खाई, पर मेडिसिन खाने के बावजूद भी इनके पेट से वो दर्द नहीं जा रही थी और इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये साथ में बताते कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे ये, ठीक होने की बजाय और भी ज़्यादा इनके पेट में जो दर्द वो बढ़ गई थी। और इन्होंने ये भी लिखवाया कि साथ में इनको कब्ज़ की प्रॉब्लम भी हो गई, तो इस प्रॉब्लम के लिए भी इन्होंने मेडिसिन खाना स्टार्ट कर दिया, पर इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाने से भी कब्ज़ की प्रॉब्लम से ये आज़ाद नहीं हो पाए। तो इनके पेट में जो दर्द की प्रॉब्लम थी और जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए लगातार ही मेडिसिन खा रहे थे और इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाने से इनके पेट में इन्फेक्शन हो गई। और ये बताते कि इन्फेक्शन इनके पेट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई जिसके कारण इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थे, बहुत ही ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे। तो ये बताते कि ये 4-5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे और लगातार इनका ट्रीटमेंट चलता रहा, ड्रिप लगे, इंजेक्शन भी इनको लगे, क्योंकि इनके पेट में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुकी थी। इन सब हालातों के कारण जिन पर बने थे ये काफ़ी परेशान हो चुके थे, फ़र्क ना पड़ने के कारण ये दुखी थे। जैसे कलीसिया, हमें तो परमेश्वर का सच्चा कलाम ये बताता है कि परमेश्वर तो हर रोगी को चंगा करता और उनके दुखों से उनको आज़ादी देता है। तो हॉस्पिटल से ये जब घर आए तो कब्ज से थोड़ा इनको फ़र्क पड़ा, पर पूरी तरह नहीं। और इन्होंने बताया कि इन पर एक और हालात आ गया और साथ में इनको लूज मोशन की प्रॉब्लम भी हो गई और इनको एक दिन में 5-6 बार टॉयलेट जाना पड़ता था और ये और भी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। पर इन पर हालात आने का कारण ये है कि इस मिनिस्ट्री से ये काफ़ी समय से जुड़े, जैसे आपने पहले भी सुना, पर एक महीने से इनका मन अदर चर्च पर लग गया, तो इन्होंने फिर वहाँ पर जाना शुरू कर दिया, पर इनका मन यहाँ पर स्थिर नहीं रहा, तो इसके कारण इनका हालात और ही ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इनकी फैमिली तो यहाँ पर आ रही थी पर ये यहाँ पर नहीं आ रहे थे। तो जब इनका हालात ज़्यादा बढ़ गया, ना ही इनका मन प्रार्थना में लग रहा था तो ना ही इनका विश्वास बन रहा था परमेश्वर पर, तो इनके परिवार ने इनको कहा कि आप ऐसा ना करें, आप हमारे साथ फिर से खुदावंत की हजूरी में जाएं। तो कलीसिया, हमारा प्रभु तो वो कर सकता है जो मनुष्य के चित्त में जड़ा नहीं, पर परमेश्वर कहता है अगर तुम में राई के दाने जितना भी ईमान हो तो तुम इस पहाड़ को कहो कि उखड़ कर समुंदर में जा पड़, वो भी जा पड़ेगा, वो भी सरक जाएगा। तो जब फिर से ये इस मिनिस्ट्री में आए तो परमेश्वर ने अपने दास की बिग मसीह के साथ अगुवाई की, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड दिया कि जो भी आपके मन में अभिलाषाएं आ रही हैं तुम अपने मन को फिराओ, आज से ही अपना मन फिराओ तो परमेश्वर आपको फ्री कर देंगे, जो भी आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए वैसा कर देंगे। और साथ में फिर इनके लिए ले हैंड भी हुई, हम उस वीडियो क्लिप को देखेंगे जब प्रभु के दास के द्वारा इन पर ले हैंड हुई। अगर किसी भी चीज की अभिलाषा है जो लोग यहाँ पे, तो अपने मन को फिराना। कुछ लोग कुछ
कुछ रोग हमारी खुद के कारण है। फ्री अपने मन को फिराओ, परमेश्वर मुझे माफ कर जो गलती मैंने की है। मुझसे बोलो परमेश्वर मुझे माफ कर, माफ कर परमेश्वर के तेरे दास के प्रति, इस चर्च के प्रति, मेरे जीवन में से कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ कर, माफ कर परमेश्वर, और आज ही अपनी सामर्थ्य से मुझे चंगा कर। अगर तेरे दास के प्रति, इस चर्च के प्रति मेरे मन में, जब मेरे जीवन में कोई लालच आया किसी किस्म का, तो मुझे माफ कर, माफ कर परमेश्वर। तो फिर जैसे ही प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए लेहर प्रेयर हुई, और ये लेहर प्रेयर इन पर 15 सितंबर संडे की मीटिंग को हुई थी। ये बताते कि जैसे इनके लिए लेहर प्रेयर हुई, प्रभु ने अपने दास के द्वारा इनको परफेक्टिक वर्ड दिया, तो इन्होंने खुदावन की हजूरी में आना स्टार्ट कर दिया। पहले तो इन्होंने बुधवार की मीटिंग को अटेंड किया जो 18 सितंबर की थी, फिर इन्होंने संडे भी खुदावन की हजूरी में आना शुरू किया, और ये बताते कि उस दिन से लगातार खुदावन की हजूरी में आ रहे हैं। ये बताते कि जो भी इन पर जो प्रॉब्लम्स बनी थी, परमेश्वर ने आज इनको पूरी तरह से शुक्र फ्री कर दिया है। कलीसिया सचमुच कलीसिया में परमेश्वर महान है, और ये बताते कि इन प्रॉब्लम से ये पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। कलीसिया हम जोर से तारीफ करेंगे। सुनो, ये कितने टाइम पहले ये हालात आया इनके ऊपर? डेढ़ महीने पहले। तो क्या हो गया था? कब्ज की प्रॉब्लम, पेट में दर्द रहती थी। समझ आ रही है? दर्द रहती थी कि दर्द स्टार्ट हुई एकदम से? पहले तो थोड़ी सी, फिर आगे और बढ़ गई। हाँ, पहले कम थी जब स्टार्ट हुई, फिर आगे और ज्यादा बढ़ गई। उसी के दरमियान इन्हें कब्ज की प्रॉब्लम आ गई ना। हाँ, माइक दे दो इन्हें भी। जय मसीह की। हाँ, ऊंचा बोलो। अब तो प्रभु ने छू लिया ना। अच्छा सुनो, अब ठीक हो गए हो ना? हाँ, सुनो फिर ध्यान से सुनो। जब आपके पेट में पहले कम दर्द शुरू हुई, पर कब्ज होने के बाद वो दर्द जो है वो ज्यादा बढ़ गई। पहला दर्द सब्जी मट्टी मट्टी होती रही है। ना ये हाँ, पंजाबी का एक वर्ड है। फिर ज्यादा बढ़ गई। नहीं, वो तो हॉस्पिटल आप तो गए ना जब कब्ज हो गई। कब्ज भी नाल ही होई, कब्ज ने बहुत होई थे। उसी के कारण तो आपके मुंह में शाले हो गए ना, सारी समस्या तो उसी के कारण ही आई है ना। हाँ सुनो, मेन चीज की है ये प्रॉब्लम आने का जो कारण है, अभी आपने सुना ना कि ये यहाँ पे आ तो रहे थे, पर इनका यहाँ से जाना का एक कारण है, और उसी के कारण हालात आए। इसलिए क्यों परमेश्वर ने कहा अपनी बुद्धि का सहारा इन्होंने लिया। जहाँ पे गई वहाँ पे कुछ ऐसे लालच से चले गए, लालच से। क्या चले गए बोलो? लालच से चले गए, लालच से। क्या परमेश्वर तुम्हें सब कुछ दे सकता है? तुम्हें खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ दे सकता है ना? दे सकता है ना? तो इनमें एक मन में अभिलाषा आ गई। क्या आ गई बोलो? कि वहां से कुछ मिलता है तो हम वहां पे अब जाएंगे। पर मेरे हिसाब से वहां से उतना लिया नहीं जितना इन्होंने अपने ऊपर खर्च कर लिया। क्यों जी, ऐसा ही हो गया होगा। समझ आ रही ना? तो ये एक अभिलाषा किसी चीज की और अपनी बुद्धि, बोलो क्या लगा ली इन्होंने? अपनी बुद्धि लगाई। मैं जब इनके परिवार वालों को पूछता था वो क्यों नहीं जाते, तो वो पूछते हम तो नहीं समझाते। वो कहते मैंने नहीं जाना, मैंने वहीं पे जाना। बोलो क्या जाना है? मैंने वहीं पे जाना।
समझ आ रही है? क्योंकि ये सोच से, अपनी बुद्धि से, अपनी अभिलाषा से ये ऐसा किया है, और जिसके कारण ये फंस गए। पर धन्यवाद है उस परमेश्वर ने जिसने अपने अनुग्रह से इन्हें बचा लिया और इस हालात से फिर से निकाल लिया। समझ आ रही है? तो आज ये पूरी तरह क्या है, बोलो क्या है? आज उस समस्या से ये पूरी तरह ठीक है। डेढ़ महीना पहले शुरू हुई, और ये कितना अगर शुरू हुई तो चलो मान लो हम 15 दिन छोड़ देते हैं, ये एक महीना कितना परेशान रहे, इनको पूछ कर देखो। क्यों जी, कितना दुखी थे आप जब दर्द होती थी, जब समस्या थी, कितना दुखी सी थी? बहुत ज्यादा होती थी। हाँ, दर्द कितनी होती थी पेट च? वखी पीड़ करती सी। ते फिर जो दर्द होती की करते मैं समझ नहीं आ रही, बेचैनी है ना, सोच लो, पूछ लो इन्हें, है ना, क्या हालत होगी? तो कुछ ढंग से खाते पीते भी नहीं होंगे? खाता पीता भी नहीं जानता सर, है ना। 5 दिन ये हॉस्पिटल में रहे, फिर आए, ले हैंड हुई उस चीज से जिस चीज की इन्होंने अभिलाषा की। जब मन फिर आया कि फिर आया मन फिर आया मन, और आज आपके सामने है, प्रभु ने बिल्कुल क्या कर दिया, फ्री कर दिया। छोटे बड़े काम करदा है पाक रुख दादा, बड़े बड़े काम करदा है पाक रुख दादा।